हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि आपके 100% पेपर में यही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप मेरा चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका प्रश्न पर दिया फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन गैस है, तो ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स अम्लीय, बी ऑप्शन दिया है क्षारीय, सी ऑप्शन दिया नहीं अम्लीय नहीं क्षारीय, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि अम्ल क्या होता है, कि जो अम्लीय और क्षारीय क्या होता है। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो आपका अम्लीय होता है फ्रेंड्स, यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो आपका क्षारीय होता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उदासीन क्या होता है, यदि पीएच मान जो होता है 7 होता है तो उदासीन होता है, लेकिन इसमें उदासीन का जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ देखिए नहीं अम्लीय नहीं क्षारीय, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, यदि इसका राइट आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि नहीं अम्लीय नहीं क्षारीय, यानी जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है वो आपका नहीं अम्लीय होता है नहीं क्षारीय होता है, यानी जो आपका सी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि क्लोरोफार्म किसकी तरफ प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्लोरोफार्म होता है CHCl3, इसका जो आपका केमिकल फार्मूला होता है CHCl3 होता है। ए ऑप्शन दिया है प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन दिया है जीवाणुनाशी, सी ऑप्शन दिया प्रतितापक, और डी ऑप्शन दिया निश्चेतक। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, इसका राइट आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि हाइड्रोजन को सुखाने के लिए, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया से क्रिया करता है, और देखिए बी ऑप्शन दिया उसके अंदर से हाइड्रोजन प्रवेश नहीं करती, और सी ऑप्शन दिया है कि H2 अम्ल के वातावरण में जलने लगती है, डी ऑप्शन दिया H2SO4 में अशुद्धियाँ होती हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 अम्ल के वातावरण में जलने लगती है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो ए ऑप्शन दिया क्षारीय, बी ऑप्शन दिया अम्लीय, डी सी ऑप्शन दिया उदासीन, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है फ्रेंड्स, SO2, अब प्लस में क्या बोल रहा है कि जलीय विलयन यानी कि H2O, जब इसको मिलाते हैं फ्रेंड्स तो आपका बनाता है H2SO4, क्या बनाता है फ्रेंड्स H2SO4, तो यहाँ पर हो जाता है फ्रेंड्स 2H2O। तो H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका अम्ल होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जब इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो यहाँ से आपका H+2H+ और प्लस में SO4 पर -2- होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका H2SO4 क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अम्लीय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर पाँचवा दिया है कि नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ए ऑप्शन दिया है यह वायु से हल्की होती है, बी ऑप्शन दिया है इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होती है, और सी ऑप्शन दिया है यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है, और देखिए डी ऑप्शन दिया है यह जहरीली नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पाँचवा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दिया है ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है, तो ए ऑप्शन दिया है जिंक, बी ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम, डी ऑप्शन दिया है सोडियम। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व होता है आपका सोडियम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न नंबर जो आपका सातवां दिया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, तो ए ऑप्शन दिया है फेरस तथा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, बी ऑप्शन दिया है मोलिब्डेनम की उपस्थिति में केवल, और सी ऑप्शन देखिए दिया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म तक करने पर, और डी ऑप्शन दिया लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका सातवां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फेरस तथा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आठवां। भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है कार्बन और N2 का, और बी ऑप्शन दिया है CO2 और N2 का, और सी ऑप्शन दिया है CO और N2 का, डी ऑप्शन दिया है CO और H2 का। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर आठवां दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण जो होता है भाप अंगार। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे जो आपका नौवा दिया है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है अम्लीय, बी ऑप्शन दिया है क्षारीय, सी ऑप्शन दिया उदासीन, डी ऑप्शन दिया अम्लीय तथा क्षारीय।
देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 9 दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उदासीन व्यवहार होता है। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन होता है लिटमस के प्रति जो व्यवहार होता है वो आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 9 सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बताया जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।